हैं, ब्लैक वाला फर्स्ट, ये व्हाइट सेकेंड, एंड ये जो व्हाइट है थर्ड लेयर हो गया। ये देखिए बीच में जाली जाली ऐसा दिखेगा। सो टोटल 6 लेयर इसमें बोला गया था एंड 6 लेयर ही है। दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। वेलकम दोस्तों टू अ न्यू वीडियो। आज एक अच्छे सा फेस मास्क का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। मेरे पास आ गया है गियर की तरफ से फेस मास्क। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं बाहर की साइड से दिस इज मास्क पैकेजिंग एंड इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट दिए गए हैं। ये सारे पॉइंट मैं वीडियो में कवर कर दूंगा। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और एक चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा जूम कर लेता हूँ। सो सामने की तरफ आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है दिस प्रोडक्ट इज मेड इन कोलकाता, मतलब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सबसे अच्छा चीज जो मुझको लगा वो है कलर कॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए दिस इज ब्लू, दिस इज ब्लैक एंड दिस इज नेवी ब्लू। सो ये तीन कलर का दिया गया है, और भी कलर कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। सो इससे क्या होता है, घर में अलग अलग मेंबर्स रहते हैं तो उनके लिए इजी रहता है। मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स, मतलब अगर मेरे मम्मी ये यूज़ कर रही है, मेरे पापा ये यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई मेरा अगर भाई बहन दूसरा कोई यूज़ कर रहा है, तो कलर मतलब मिक्स नहीं होता है एक दूसरे के साथ। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एंड सिर्फ यही कलर कॉम्बिनेशन नहीं, यही मास्क आपको दूसरा कलर कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाएगा। सो ये मास्क का थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। हाथ में पकड़ के जो फील आता है दैट इज गुड। मैंने बहुत सारे मास्क पहले भी ट्राई किया है, सो दिस इज क्वाइट गुड। सो जो बाहर के साइड के स्टिचेस हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको समझ में आएगा। सो बैक साइड देखिए दिस इज ब्लैक एंड ये जो सामने का हिस्सा है ना ब्लैक, यहाँ पे जाके स्टिचेस मतलब जा रहा है सामने से, लेकिन आपको खाली आंख से मालूम नहीं चलेगा। स्टिचेस जो है वो अंदर की तरफ रखा गया है, जिसके वजह से आपको स्टिचेस बाहर की तरफ समझ में नहीं आएगा। ये आउटर साइड में दिस इज अ गुड साइन एंड अंदर की तरफ बीच में से स्टिच देख सकते हैं। सो दिस इज क्वाइट ओके। सो ये स्टिच मुझको थोड़ा नॉर्मल जैसा लगा, बट ये स्टिच का जो पैटर्न है सामने के साइड, मतलब स्टिच ही अंदर की तरफ है तो समझ में ही नहीं आएगा। दिस इज क्वाइट रियली गुड। एंड साथ ही साथ में लेफ्ट साइड में जो गियर का ब्रांडिंग है वो भी दिया गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गियर का ब्रांडिंग दिया गया है। सो अभी बात कर लेते हैं नोज क्लिप की। सो यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम इन करता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं, कितना आपको समझ आ रहा है मुझको मालूम नहीं है। सो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्राइंगल शेप का आपको दिखेगा टॉप में, थोड़ा दिखाने का कोशिश करता हूँ। सो दिस इज एक अच्छा क्वालिटी, यहाँ पे नोज क्लिप आप लोग देख सकते हैं, अच्छा क्वालिटी। मैं हाथ से पकड़ के बता सकता हूँ, मैं इजीली बेंड करने की कोशिश करता हूँ तो बेंड नहीं हो रहा है। सो मुझे थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा। सो दिस इज मतलब थोड़ा बहुत ये हिंट देता है। सो यहाँ पे एक अच्छा क्वालिटी का नोज पिन दिया गया है एंड साथ ही साथ में ये जो पिन है ना, इसका विड्थ दूसरा जितना मास्क मैंने अभी तक यूज़ किया उसका विड्थ से इसका विड्थ ज़्यादा है। सो विड्थ भी थोड़ा सा आपको हिंट दे के दिखा देता हूँ। सो यहाँ से यहाँ तक, सो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सो मेरा जो दो उंगली देखिए, ये बीच का पोर्शन जो है ना, ये विड्थ है नोज पिन का। सो दिस इज क्वाइट गुड। और एक चीज मैं नोटिस किया है, ये मास्क का तो मैं दिखा ही रहा हूँ तब से। सो ये ब्लैक वाला पकड़ लेते हैं, ये वाला भी दिखाता हूँ। सो दिस इज मेन चीज जो मैं बताना चाहता हूँ, इनर साइड कपड़ा कॉटन है, सिंथेटिक या फिर पॉलिएस्टर नहीं है, जिसके वजह से आप घंटों के बाद घंटे पहन सकते हैं। एंड मुझे टेंशन रहता है ये दोनों ब्लैक है, चलो कॉटन तो निकल जाएगा, ये वाइट वाला कॉटन है कि पॉलिएस्टर है। सो ये वाला जो है, ये वाला थोड़ा सा मिक्स मुझको लग रहा है कॉटन और पॉलिएस्टर का। ये दोनों जैसा प्योर कॉटन मुझको मतलब हाथ में फील हो रहा है, ये वाला भी मुझको ऑलमोस्ट सेम फील हो रहा है।
लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है दोस्तों। ये जो मटेरियल का बना है दिस इज, मैं बोल सकता हूँ ऑलमोस्ट प्योर कॉटन जैसा, दिस इज ऑल्सो सेम, लेकिन इसमें हल्का सा मिक्स है, फिर भी बोल सकता हूँ दिस इज कॉटन, क्योंकि जब आप हाथ से ऐसा फील करेंगे तो आपको कॉटन ही फील होगा, लेकिन बहुत अच्छे से बारीकी से अगर आप इसको देखेंगे, इसको थोड़ा बहुत मतलब टच करके ऐसा देखेंगे तो फिर आपको मालूम चलेगा थोड़ा सा तो मिक्स है इसमें। सो चलिए अभी बिना टाइम वेस्ट के मास्क को पहन के भी देख लेते हैं। सो पहले मैं स्पेक्स को उतार देता हूँ। सो उसके बाद दिस इज माई मास्क एंड देखिए पूरा फेस कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है दिखाना ज़रूरी है। थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, नहीं जूम इन कर देता हूँ। सो आप लोग देख सकते हैं ये वाला पोर्शन मेरा पूरा कवर हो चुका है, ये भी कवर हो चुका है एंड यहाँ तक कवर हो चुका है, कोई भी हिस्सा एक्सपोज नहीं है। तो नीचे का हिस्सा दिखा देता हूँ, यहाँ तक मेरा कवर हो चुका है, फिर भी आँख तक जा रहा है, थोड़ा डाउन कर देता हूँ। सो देखिए ऐसा पूरा कवर हो रहा है। सो अभी तक तो कोई इशू नहीं है। मैं कुछ देर इसको पहन के आपके साथ ऐसे ही बात करना चाहता हूँ कि आपको मेरे आवाज़ सुनने में क्या कोई तकलीफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप बताइएगा। मुझे तो सुनने में कोई भी तकलीफ नहीं हो रहा है। सो इसको पहन के बात करने में तकलीफ नहीं होना चाहिए। बहुत से लोगों को मैंने देखा है बात करने के टाइम पे ऐसा डाउन कर देते हैं। सो वैसा बिल्कुल भी मत कीजिए, मास्क को हमेशा पहने रहना चाहिए। लेकिन मतलब बहुत से मास्क में क्या होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है बात करने में, तो इस मास्क में ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दोस्तों अभी जो पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ दैट इज फॉगिंग। बहुत से लोगों को मालूम होगा, जो लोग स्पेक्स पहनते हैं उनको तो मालूम ही होगा कि फॉगिंग का जो इशू है। मैंने अभी तक बहुत सारे मास्क ट्राई किए, हर एक मास्क में फॉगिंग का इशू है, किसी में बहुत कम है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, लेकिन फॉगिंग का इशू तो हर एक मास्क में था अभी तक। सो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। सो इसको मैं ऐसे पहन लेता हूँ। सो देखता हूँ फॉगिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यस, हल्का हल्का फॉगिंग हो रहा है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ मुझको कुछ इशू नहीं आ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ हल्का हल्का फॉगिंग मुझको यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं मास्क पहना ही हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि मैं कंफर्टेबली बात भी कर रहा हूँ। एंड बात करने के साथ साथ और एक चीज़ मैं यहाँ पे ख्याल कर रहा हूँ। सो ये जो पोर्शन है बैक साइड में, ये देखिए, ये जो ईयर में फिक्स होता है ये बैंड, ये दिस इज़ काइंड ऑफ इलास्टिक टाइप। सो मुझे तकलीफ इसके वजह से मतलब नहीं हो रहा है, मैं बोल सकता हूँ, या फिर बहुत ही कम हो रहा है, मतलब बहुत ही कम अभी तक तो हुआ नहीं है। शायद मतलब मैं 5-6 घंटे कंटिन्यू अगर इसको पहनूंगा तो फिर हो सकता है, लेकिन अभी तक तो कोई इशू नहीं आ रहा है। सो देख सकते हैं दिस इज इलास्टिक। दोस्तों मेरे पास जो मास्क का कम्बिनेशन मुझको मिला है तो तीनों की तरफ देख सकते हैं, तीनों डार्क कलर में है, लेकिन अंदर का तरफ जो कलर है ये देखिए, इसको सिर्फ छोड़ के बाकी दोनों का कलर ऑलमोस्ट ब्लैक में ही है। सो जो लोग पान खाते हैं उनको एक डर रहता है कि जो पान का कलर है ऑरेंजिश वो इसमें लग जाएगा, एंड वो जो कलर है ना वो धोने के बाद भी नहीं जाता है। सो उन लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छा है जो लोग पान वगैरह खाते हैं। वैसे भी अभी बाहर खाना नहीं चाहिए, एंड अगर खाते भी हैं तो बाहर बिल्कुल भी नहीं थूकना चाहिए, लेकिन जो पान खाते हैं उनके मुंह से वो लग ही जाता है, वो उनके लिए टेंशन की बात नहीं है। सो कलर इज डार्क, सो जो लोग पान खाते हैं उनके लिए आसानी रहेगा क्योंकि कलर इज ब्लैक डार्क। सो आप अगर मतलब इसके ऊपर अगर पान का कुछ लग भी जाए तो भी दिखने में गंदा नहीं लगेगा। बोला गया है दिस इज 6-layer मास्क। सो 6-layer है या नहीं है इसको देखना ज़रूरी है, मुझे उतना ज़रूरी नहीं है लेकिन आपको ज़रूर दिखाना ज़रूरी है मेरे लिए। सो एक मास्क का कुर्बानी मैं देने जा रहा हूँ। सो मास्क को कट करके देखते हैं। सो दिस इज सेफ्टी सीजर, सो साइड से इसको कट करेंगे। थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ तो आपको दिखाई देगा अच्छे से।
सो साइड से इसको कट करेंगे, देख सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कट कर लिया है। सो एक मास्क को सिर्फ ऐसे ही खराब कर रहा हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो दोस्तों मैंने फुल कट कर लिया है, थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ एंड आपको दिखाता हूँ। सो आप लोग अभी देख सकते हैं ये जो ब्लैक वाला गया ना, दिस इज फर्स्ट लेयर। उसके बाद ये जो वाइट है सो एक मैंने अलग कर लिया। सो देख सकते हैं ब्लैक वाला फर्स्ट, ये वाइट सेकेंड एंड ये जो वाइट है थर्ड लेयर हो गया। एंड अभी जो बात है ना, अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो आप लोग अभी देख सकते हैं दिस इज फ्रंट साइड, मैंने यहाँ से काटा था। सो बैक साइड में आपको दिखा दिया ब्लैक दो वाइट तीन लेयर। एंड ये फ्रंट साइड का जो लेयर है ना, दिस इज नॉट वन लेयर। और थोड़ा जूम करता हूँ तो आपको और अच्छे से समझेगा। सो देख सकते हैं इसमें तीन लेयर मर्ज है फ्रंट साइड में। सो टॉप का ब्लैक दिख रहा है आपको, लेकिन इसके अंदर दो जाली जैसा है, दो जाली जैसा लेयर मर्ज किया गया है। ये जो फ्रंट का लेयर है ना, देखिए ये देखिए बीच में जाली जाली ऐसा दिखेगा। एंड बैक साइड में वही है, जो जाली वाला दो लेयर भी इसमें दिया गया है, ये फ्रंट लेयर के साथ मर्ज किया गया है। सो इसमें हो गया तीन लेयर। सो टोटल सिक्स लेयर इसमें बोला गया था एंड सिक्स लेयर ही है। दिस इज क्वाइट इम्प्रेसिव। दोस्तों और एक चीज इसमें बताना था, मैं अभी बाहर गया था मास्क पहन के, मुझे दो बार सीढ़ियों से नीचे जाना पड़ा एंड दो बार ऊपर आना पड़ा। अभी भी देख सकते हैं सीढ़ियों से अगर आप ज़्यादा उतरते हैं और फिर चढ़ते हैं तो फिर क्या है, उतरने में तो तकलीफ नहीं होता है लेकिन चढ़ने के टाइम पे ना सांस थोड़ा बहुत फूलेगा। मतलब कंटिन्यूसली दो तीन बार ऐसा चढ़ेंगे ना तो ऐसा होगा। लेकिन इस मास्क में मुझको मतलब ये जगह जो है ना, ये जगह ऐसा बना है इसके लिए मुझको मतलब ब्रीदिंग का उतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। दूसरे मास्क में क्या होता था, ऐसे में मास्क को उतार देता था, मतलब ऑक्सीजन मतलब अच्छे से आ पाए इसके लिए। लेकिन सो इसका ये वाला हिस्सा देख सकते हैं, इसके वजह से मतलब मुझको सांस लेने में तकलीफ नहीं हो रहा है एक्चुअली। दोस्तों मैं वीडियो को एंड भी कर दिया था एंड एडिटिंग भी चल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि ये चीज़ डालना चाहिए वीडियो में, क्योंकि मैं खुद अभी दो बार सीढ़ी चढ़ के आया हूँ एंड इस इशू में दिस मास्क हैज़ डन अ ग्रेट जॉब। सो ये चीज़ आपको बताना ज़रूरी था, इसके लिए अभी वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ। अभी तक मैंने बहुत सारे मास्क का अनबॉक्सिंग किया है एंड इनिशियल इम्प्रेशन में ये मास्क मुझको बहुत अच्छा लगा है। ये मास्कों का बेस्ट बाय लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो लिंक में क्लिक करके सबसे अच्छे प्राइस में इसको परचेस कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे नए वीडियोज आने वाले हैं।